वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया दिनी हनीफ के तहत आज हम हदीस पेश करेंगे सुनन बहकी की हदीस है जो अनसिब ने मालिक रजी अल्लाह से मरवी है कि सरकार द्वारा सल्ला वल्षात फरमाया कि अफजल सदका थी के सदकों में बेहतरीन सदका हुआ है क्याशबिया कबी अनज आय कि तुम पेट भर खाना खिला दो किसी जानदार को कह कि किसी जानदार को पेट भर खाना खिला देना यह फरमाया कि अफज़ल तरीन सदक़ा है तो यहाँ इस हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहाबीर जन कि जानदार कि किसी जानदार को जो है वह अब खाना खिला देना अफजल सदक़ा है या इंसान की तख्स नहीं की किसी हैवान की तखसीस नहीं की बल्कि जानदार का ज़िक्र किया इसका मतलब है कि वो जानदार होना चाहिए भले वो इंसान हो मुसलमान हो मोमिन हो काफिर हो इसी तरीके से इवन है कि कोई हैवान हो हेवान के अलावा कोई जो है कोई ज़मीन में रीघने वाला कोई जानवर हो तो गोया कि कोई भी हो लेकिन हो जानदार तो वो भूखा और प्यासा है उस भूखे को आपने अगर खाना खिला दिया गोया के कुत्ते के सामने रोटी का टुकड़ा डाल दिया उस भूखे कुत्ते ने अगर खा लिया उसका खाया हुआ भी बेहतरीन सदका है और आपको सदके का सवाब मिलेगा और सदका किसे कहते हैं अल्लाह तबारक व ताल के रजा के लिए अल्लाह के रजा के लिए और अल्लाह कोर्ब हासिल करने के लिए जब आप कोई अमल करते हैं उसको सदका कहा जाता है लिहाज़ा आप अगर किसी जानवर को खाना खिला रहे हैं या किसी इंसान को खाना खिला रहे हैं या किसी मोमिन मुसलमान को खाना खिला रहे हैं उसमें आप अल्लाह के क़ुर्ब की नीयत करते हैं तो अल्लाह तबारक तआला इस खाना खिलाने का आपको बेहतरीन अजरता फ़रमाते हैं और आप जानते हैं कि भूखे को खाना खिलाना प्यासों को पानी पिलाना तो ऐसा अमल है कि खुद नबी करीम सरशाद है कि भूखे को खाना खिलाना ये मफफ़रत को वाजिब करने वाला है यानी अल्लाह की बख्शिश और मफरत को वाजिब करने वाली चीज़ों में से एक चीज़ ये है कि आप किसी भूखे को खाना खिला दें और इसी तरीके से फरमाया कि अगर जो है जो की किसी जानदार को खाना खिला देता है तो अल्लाह तबारक वताल जन्नत में उसको खाने खिलाता है तो ज़हरा कि इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में आपने किसी जानदार को खाना खिला दिया तो अल्लाह तबारक वताल शख्स के लिए जन्त वाजिब कर देते हैं और आखिर में जहर के जन्नत में जब दाखिल होगा तभी तो जन्त के खाने खाएगा तो ये बहुत बड़ी नेकी है तभी सही बुखारी शरीफ के अंदर वो हद्थ, वो हदीस मौजूद है जिस पे वाक़ जिक्र किया गया एक एक बदकार औरत का कि वो बदकार औरत बदकारी के सफ़र पर जा रही है बदकारी के मकसद के लिए सफ़र कर रही है एक कुआं देखती है वहाँ कुएं से उसने पानी पिया लेकिन वहाँ पर कुत्ते का पिल्ला देखा वो प्यास से तड़प रहा है यहाँ तक कि कुएं के करीब की गीली मिट्टी को चूस के अपनी प्यास बुझाने को की कोशिश कर रहा है हदीस में आता है कि वो जो बदकारा औरत थी उन्हें जब ये नज़ारा देखा तो उसके दिल पर चोट पड़ी उसको दुख हुआ कि ये कुत्ते का पिल्ला प्यासा है प्यास से तड़प रहा है कहा कि उसने अपने दुपट्टे के साथ अपने जो मोजे को बांधा और उस पानी के अंदर डाला और उसमें से पानी निकाला पानी निकाल के वो उस कुत्ते को पिल्ले को पिलाया यहाँ तक कि उसके जिगर के अंदर जान और हयात पैदा हो गई उसकी आंखें खोल गईं और वो जो है मोहब्बत से उसके पैर चाटने लगा क्योंकि उस प्यासे की प्यास भुजा दी हदीस में आता है कि इस अमल पर अल्लाह तबारक वताल ने उस बदकार औरत को जन्नत में दाखिल कर दिया जन्नत का फैसला कर दिया अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक कुत्ते के पिल्ले को पानी पिलाया जा रहा है और उसके नतीजे में अल्लाह तबारक वाले एक बदकार औरत जो गुनाहों से लथपथ है और अभी भी गुनाह के सफ़र में है यह कोई तौबा तायब होने के लिए जा रही है ये सफरे तोबा नहीं है बल्कि सफरे मासियत ही है उसमें उसने ये छोटा सा अमल किया है जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व ने उसके लिए बख्शीश का फैसला कर दिया इसे नाजरीन भूखे को खाना खिलाना ये बहुत बड़ी नेकी है ये मामूली नेकी नहीं है और खुद कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व ने ताल जहनमुम एल जहनम के बारे में ज़िक्र किया जब मला उनसे पूछेंगे कि भई तुम्हें जहनों में क्यों डाला गया तो वो ये कहेंगे कि लम नकु मिनुस हम नमाज नहीं पढ़ते थे हम नमाज़ नहीं पढ़ते थे तो गोया कि उन रीज़न में से एक रीज़न ये बताएँगे जहनम में जाने की हम नमाज़ नहीं पढ़ते थे और दूसरी रीज़न ये बताएँगे कि हम भूखों को खाना नहीं खिलाते थे हम जब मस्किनों को मोहताजों को और भूखों को खाना नहीं खिलाते थे ये दूसरी हमें खराबी थी और तीसरी ये थी कि गए के दीन का मजाक उड़ाने वालों के साथ हम भी मजाक उड़ाते थे ईमानियात का मजाक उड़ाने वालों के साथ हम भी मजाक उड़ाते थे ये तीन मर्ज हमारे अंदर मौजूद थे जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक वताल ने हमें जहनों में डाल रखा है तो देखो उसी में से बताया कि हम खाना नहीं खिलाते थे मस्किनों को तभी तो सूरत या माउन के अंदर फरमाया कि वला यह हजू अला तोमिलमस्किन कि ये शख्स जो आखिर तो दिन का इनकार करता है तकजीब करता है ये जालिम बदवक़्त ऐसा है कि ये दूसरों को भी खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता एक ये है कि खुद खिलाए ये खुद खिलाए तो ये बड़ी बात है किसी दूसरे को भी नहीं कहता यार भूखे को खाना खिला दो ये इतना बखील है लिहाजा जाहिर है कि वो जहन्नुम का ईंधन है इसलिए खाना खिलाना जो है और आज आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर भूखे प्यासे फ़कर और फाक़ा के कितने खत्े हैं ख़ुद पाकिस्तान जैसे खित्ते को देखो वहाँ भूख प्यास का आलम क्या है या के जंगल उठा के देखो वहाँ भूख प्यास का आलम क्या है लेकिन वहाँ जो लोग खाना खिलाने की इसहादत हासिल करते हैं अल्लाह तबारक व ताल के नजीब मफरत जन्नत के फैसले उनके लिए होते हैं और जैसे कि आप जानते हैं इसी इसी दर्द को सामने रखते हुए मैंने भी जो है मुनीर लंगर के नाम से पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश के अंदर खाने खिलाने का सिलसिला शुरू कर रखा है और 2017 से ही सिलसिला शुरू हुआ 2017 से शुरू हुआ और आज माशाल्लाह बहुत से मुल्कों के बहुत से शहरों के अंदर अंदर यह सिलसिला शुरू है जिसके लिए मेरे जो जो मेरे दस्ते बाज़ू बने मेरे मामिन बने डॉक्टर जो है वहीद भट्टी एटलांटा से उनकी एहली डॉक्टर मीना भट्टी इन लोगों ने हौसला दिया और मैंने ही बसमिल्ल की 2017 से आज तक अलहमदिल्ला लाखों इंसान जो हज़ारों इंसान खाना खा चुके हैं और उनकी दुआओं से अलहमदुल्ल कैसे इंसान के मामला सम्वरते हैं कैसे अल्लाह का क़ुरु मिलता है ये लुफ्फ तो वही जानता है कि जो ये ख़िदत करता है इसलिए नाजरी इन, इन चीज़ों में पीछे ना रहे खाना खिलाना कम से कम और मैंने ये सोचा कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत क्या कर सकता हूँ यही अल्लाह ने अलखा किया कि वहाँ भूखों को खाना खिलाओ बस दुनिया की सियासत क्या है हुक्मरान क्या कर रहे हैं जागीरदार वडेरे क्या करते हैं क्या वहाँ चोरबारी उससे बहस रही है बूखों को खाना खिलाना बस ये खिदमत में लग जाओ अलहमदिल्ला बस ये इलका हुआ और भूखों को खाना खिलाने का उस सिलसिले शुरू किया और मुनीर लंगर के नाम से आज पाकिस्तान के मुतद मतदीद शहरों के अंदर अलहदुल्लह लंगर चलते हैं और आपज़ात दुनिया भर से अलहमदिल्ला उस पर ताउन करते हैं और ये सिलसिला आगे से आगे बढ़ रहा है तो कहने का मकसद ये कि मैं तो अपना जाती तजर्बा बता रहा हूँ कि जब खाना के से खाना खिलने का सिलसिला शुरू किया है तो वाकई अल्लाह तबारक व तरफ से क्या मिलता है ये बयान करने की चीज़ नहीं है ये एक वो राज है जो अल्लाह तबारक वताल जो है ऐसी नेकियों के करने पर अता कर देते हैं इससे नाजरन खाना खिलाना भूखे को इसलिए हदीस पे फरम अफजुल सदका थी कि अब बेहतरीन सदका यह है कि अंतुशक्का बिजन कि किसी जानदार भूखे का पेट भर दें अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताली हमें यह दर्द और फ़िक्र अता फरमाए कि जब खुद खाते हैं तो फिर सोचें कि भूखों की भूख का आलम क्या होगा उन भूखों को भी खाना खिलाने का इंतजाम करें थोड़ा सा भी हिस्सा डाल देंगे अल्लाह तबारक व वाल वो बहुत बड़ा हो जाता है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक वाली अमल करने की तोफ़ी अता फ़रमाए आमीन या रब्बल